बड़ौदा निवासी इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस द्वारा 2 माह के बाद 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर ही लिया गया। इंजीनियर की हत्या रस्सी का फंदा लगाकर की गई थी और साक्ष्य छुपाने बैग, जैकेट और लोअर को झरझरा पुलिया के पास आरोपियों ने जला दिया था। इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की 6 टीमें लगी थी, जो 65 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में सफल रही। हत्याकांड का मास्टरमाइंड चंदखुरी गांव का पूर्व पंच अशोक देशमुख है, जो पंच चुनाव हारने व रेगहा की जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण मृतक से रंजिश रखता था। मामले का खुलासा दुर्ग रेंज की आईजी ओपी पाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। पूरा मामला इस तरीके से है कि 6 दिसंबर की रात में कनाल पाड़ा चंदखुरी से शिवांग चंद्राकर 27 साल का युवक है, वो रोज की तरह अपने पिता के फार्म हाउस से निकलकर रिसाली स्थित अपने मकान जा रहा था। रिसाली में उसकी माँ रहती है और वो रोज अपने फार्म हाउस पे आता था और शाम को अपने माँ के पास रिसाली के घर में चला जाता था। 6 तारीख की शाम को ही निकला, परंतु घर नहीं पहुँचा। जब देर रात तक घर नहीं पहुँचा तो घर वालों ने इसकी खोजबीन शुरू की और अगले दिन इसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो शुरू से ही उसमें एक संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल काफ़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में फार्म हाउस के पास में ही एक तिराहे पर पाई गई थी। व्यापक स्तर पर इस मामले की जांच की गई, कई पहलुओं को ध्यान में रखकर, उसके परिचितों, उससे ऐसे लोग जो उनसे उसे किसी तरीके का मनमुटाव या वैमनस्य रखते थे, परिवार से अगर किसी का विवाद था, उसके दोस्त, रिश्तेदार, सबको ध्यान में रखकर पुलिस ने जांच शुरू की। 5 जनवरी को चंदखुरी भाटा में एक गड्ढे में उसका कंकाल के कुछ हिस्से मिले, उसकी घड़ी मिली, जिससे कि घर वालों ने आइडेंटिफाई किया उसी की घड़ी है। फिर DNA टेस्ट कराया गया, जिसमें वो बॉडी पार्ट्स शिवांग चंद्राकर के होने की पुष्टि हुई और इसमें कल 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया गया, जिन्होंने इस गुनाह में हत्या करके बॉडी को वहाँ डिस्पोज किया था, वो करना कबूल किया। हत्या की जो वजह बताई गई उसमें ये बताया गया कि जो मुख्य आरोपी है अशोक देशमुख, ये 3 आरोपी गांव के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी अशोक देशमुख, ये 2020 में पंच का चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोटों से हारा था, उसको इस बात का शक था। इसके अलावा शिवांग चंद्राकर के परिवार का फार्म हाउस जहाँ पर है, उसके पास में 13 एकड़ किसी थर्ड पार्टी की जमीन है, इसको रेगा पर लेने को लेकर भी उस पॉइंट पे भी विवाद था। अशोक देशमुख ने उसको पिछले साल रेगा पर लिया था, जिसमें उसको आमदनी भी नहीं हुई थी, परंतु मन मुटाव था। और अशोक देशमुख के ऊपर थोड़ा बहुत लोन भी था, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल लोन नहीं है, 1.5 लाख रुपये का लोन होना ऐसा बताता है। इन्होंने शिवांग चंद्राकर को एक तो हत्या करने की उसकी प्लानिंग बनाई और साथ में ये हत्या करके हम उसके परिवार से 30 लाख की फिरौती भी मांगे, उसी का फ़ोन का इस्तेमाल करके। ये की योजना थी, 15 दिन पहले इन्होंने योजना बनाई थी। घटना के दिन ये 3 आरोपी शाम को एक तिराहे पर, उसके फार्म हाउस के पास एक तिराहा है, वहाँ पर आके इकट्ठा हुए। उस तिराहे से दूर दूर तक दिखाई देता है और किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर उधर आ रहा हो तो वो दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने उस तिराहे को चुका। जैसे ही शिवांग चंद्राकर फार्म हाउस से रोज की भांति अपने घर जाने के लिए उस तिराहे पर आया होता, वो वापस जा रहा था, तो अशोक देशमुख ने उसको हाथ लेकर रोका, पीछे बैठ के उसको कस के पकड़ लिया और बाकी दोनों आरोपियों ने उसकी रस्सी से, जो फंदा उन्होंने फंदा बना रखा था, उससे कस के उसकी हत्या कर दी। और बॉडी को चंदखुरी भाटा में एक ऐसी जगह जहाँ इन्होंने पहले देख रखा था, जिस जगह को एक गड्ढा था, उस गड्ढे में ले जाकर डिस्पोज कर दिया। सर, इस पूरे पुलिस ने काफ़ी व्यापक स्तर पर योजना की, काफ़ी मेहनत की गई और बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए। SSP दुर्ग श्री बदली मीना और उनके साथ उनके नेतृत्व में दोनों एडिशनल SP ग्रामीण और शहर और CSP दुर्ग, इन्होंने लगातार इस प्रकरण में मेहनत की है। साइबर सेल और
आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम शिवांग चंद्राकर है, जो मरोदा का रहने वाला है, जो अचानक लापता हो गया है। परिजन उसकी शिकायत करने के लिए थाने भी गए। फिर शिकायत दर्ज होने के बाद फिर हरकत में पुलिस आई। पुलिस ने उस मामले को आज सुलझा लिया है। मामला सुलझाने में पुलिस को बहुत मशक्कत करना पड़ा। इसमें जो मुख्य आरोपी है अशोक देशमुख, वो उसी के द्वारा रचा गया पूरा प्लान था। अशोक देशमुख वो मृतक शिवांग चंद्राकर के परिवार का भी करीबी था और उनके खेत को रेघा लेकर कमाई करता था। कुछ आपसी विवाद, कुछ आपसी मन मोटाव के कारण उसको कुछ बात का ठेस पहुंचा था, जिसका वो बदला लेना चाहता था, जिसके कारण उसने शिवांग चंद्राकर का अपने मित्रों के साथ मिलकर अपहरण का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद शव को ऐसे जगह में फेंका गया जहां शव पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जानवर उसकी शव को खा रहे थे बोल सकते हैं, यानी कि उसका बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। पुलिस को पता लगाना मुश्किल था कि ये जो शव है ये किसका है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद मामले का खुलासा हुआ कि यह शव मृतक शिवांग चंद्राकर का है। उसके बाद पुलिस मामले की खोजबीन कर तीनों आरोपियों को पकड़ ली है। ये मामला दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा। कई एविडेंस, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, एक पुलिस ने एक ऐसी पहेली सुलझाया है जिसको सुलझाना नामुमकिन सा हो गया था। एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।